नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फेस्ट और आपके साथ मैं शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। खुर्जा प्रजापति समाज का नया होली मिलन समारोह हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। खुर्जा नगर स्थित नारायण की कोठी कबाड़ी बाजार चौराहे पर प्रजापति होली मिलन एवं प्रोत्साहन समारोह का आयोजन हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष रोहतास प्रजापति एवं संचालन बाबूलाल प्रजापति प्रवक्ता रहे और मुख्य अतिथि माठी कला बोर्ड अध्यक्ष राज्य मंत्री ओम प्रकाश गुला ने कहा, समाज को संगठित एवं शिक्षित बनाओ। प्रजापति समाज के अध्यक्ष जयप्रकाश मुंगेरी प्रजापति ने संबोधित करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम समाज में नई क्रांति लाने के लिए एवं समाज को संगठित युवाओं को शिक्षित नारियों को सशक्तिकरण बनाने के लिए किया जाता है और कहा, समाज के निर्धन बच्चों की उन्नति करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मेधावी छात्र छात्रा को उपहार देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि एवं गणमान्य लोगों को भी उपहार देकर सम्मानित किया गया। देखिए बुलंदशहर से रविंद्र कुमार के साथ योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज इंडिया फेस्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार, मेरे साथ योगी प्रजापति छोटी गांव से अनुच्छेद से। आज खुर्जा में प्रजापति समाज के द्वारा एक होली मिलन समारोह पूर्ण समारोह हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा तो यही कहना है कि समाज में हम एकत्र हों, संगठन में रहेंगे, जब भी हम कुछ कर पाएंगे, बिना संगठन के कुछ भी नहीं है। एकता का प्रतीक ये हमारी कमेटी चला रही है। नोमा ये हमारा होली मिलन समारोह है, राजनीतिक हमारा इसमें कोई वो नहीं है। हमारा तो यही है कि बच्चों को जो प्रोत्साहन करा है, हमारे बच्चे इसको देखकर और ज़्यादा उत्साह करें। जिसके 80% आई है वो कहेगा मेरी 95% आए। तो इसलिए मैं ही यही कहना चाहता हूँ कि शिक्षा पे ज़्यादा जोर दे रहा समाज, इसके लिए युवाओं के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? युवाओं के लिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि युवा समाज के उस पर रहे और अच्छा कार्य करें समाज के सफर में। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम बाबूलाल प्रजापति है और मैं आपके SMJC इंटर कॉलेज में मैं इंग्लिश का अध्यापक हूँ। तो सर, मेरा सवाल आपसे ये है, आप नारियों के लिए क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश? नारियों के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ सर, दोहे के पहला शिक्षा पे जो आपका हक है वो नारी का है। मेरा मानना ये है कि अगर एक नारी शिक्षित हो जाए तो वो पूरे समाज को, पूरे परिवार को साध सकती है, शिक्षित कर सकती है। और निश्चित रूप से हमारी समिति का ये दायित्व और ये कर्तव्य रहा है कि हम बेटियों को पहले हौसला अफजाई करें। मैंने आपको बताया, हमारे समाज से एक हमारी बेटी है, हमारी भतीजी है और हमारी मेरी छात्रा भी है कि वो इस समय MBBS, MS और MCH कर रही है। उसने समाज का नाम रोशन किया है। इसके अलावा और भी बच्चे हैं जो मेधावी छात्रा हैं, तो आने वाले। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि समाज के निर्धन बच्चों के लिए क्या काम कर रहे हैं? निर्धन छात्रों के लिए सर, प्रति वर्ष हम देखिए समिति के जो संसाधन है उसके अंतर्गत हम गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे की फीस के संबंधित या किताबों से संबंधित या कोई भी परेशानी एडमिशन से संबंधित जो भी समस्या होती है हम उनका निराकरण करते हैं और उनको फ्री कोचिंग भी दी जाती है। जैसे मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश का है तो मैं अपना समय उनको इंग्लिश के रूप में उनको समझा देता हूँ। बाकी जो सब्जेक्ट और एक्सपर्ट हैं वो भी उनको समय देते हैं और उनको ये भी बताएं, आपको कभी भी किसी विषय या किसी संबंध में कोई ज़रूरत हो तो आप हमसे संपर्क करें। और ऐसे कई बच्चे होते हैं कि किसी धनाभाव में वो नहीं पढ़ पाते तो हम उनको मार्गदर्शन भी देते हैं कि तुम्हें कैसे क्या क्या करना है। तो आपने देखा क्या पुस्तक खबरों में, बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ न्यूज इंडिया फर्स्ट पर। शुक्रिया। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।